बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सब ठीक ठाक होंगे, सब कैसे होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं करेला कीमा। जो देखिए, मैंने 2 किलो करेले लिए थे, इसको मैंने अच्छे से मसल लिया है। इसमें से देखें पानी निकल गया करेलों का। इसको हम सबसे पहले धो के वॉश करेंगे, फिर आपके साथ मिलते हैं, फिर बताते हैं आपको बनाने की तैयारी करूँगी, फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया, इसको मैंने अच्छे से ग्लैंड सुखा लिया कपड़े में डाल के। और अभी हम सबसे पहले करेले फ्राई करेंगे, उसके बाद मसाला रेडी करेंगे, फिर आपको साथ साथ बताती जाऊंगी मैं। देखिए, मैंने 3 कप तेल चढ़ा दिया था, इसे अच्छे से मैंने गर्म कर लिया। और मैं इसके अंदर करेले ऐड करती हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम करेले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर एक ही दफ़ा में हो जाते तो हम एक ही दफ़ा में डाल देते हैं सभी, अगर 2 दफ़ा में होंगे तो 2 दफ़ा डाल के इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये आधे मैंने अभी डाल दिए, आधे हम बाद में ऐड करेंगे। एक साथ डाल दूंगी तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। इसमें जिसने खुले खुले तेल में जाएंगे करेले, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देखिए, 1 किलो मैंने कीमा लिया था, चिकन का कीमा है, इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। और 4 ही मैंने टमाटर लिए थे बड़े, वो भी मैंने काट लिए बारीक बारीक। और 5 मैंने प्याज ली थी बड़ी, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम कीमा साइड पे करेंगे। और मैंने 2 नींबू लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसके अंदर मैंने 3 हरी मिर्ची डाल के इसको अच्छे से ग्लैंड कर लिया था। और बाकी मसाले मैं डालती जाऊँगी, आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। देखिए, हमने करेले अच्छे से फ्राई कर लिए, इसको हम सब निकाल लेंगे। हमें इतने ही फ्राई करने थे, सादे इसको हमने फ्राई नहीं करने, इसको हम निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद हम दूसरे करेले अपने में ऐड कर देंगे, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे करेले फ्राई हो गए, इसको हम निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे हम दूसरे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करेले सबसे पहले फ्राई करके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, फिर बनाएंगे। देखिए, अभी मैंने इसको सबको निकाल लिया, अब मैं दूसरे भी ऐसे अच्छे से फ्राई करके निकालूंगी। देखिए, मैंने सब करेले फ्राई करके इनको निकाल लिया। और मैंने इसमें से 2 कप तेल निकाल लिया, मैंने 1 कप तेल छोड़ दिया। मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ना इसको ज़्यादा करना है। जैसे मेरे प्याज हो जाएंगे, उसके बाद मैं लहसुन अदरक ऐड करूँगी, तो मैं अभी मिक्स कर दूँगी। देखिए, हमारे प्याज ब्राउन हो गए, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमें ऐसे इसका कलर चाहिए था प्याज का। और मैं लहसुन अदरक ऐड करी इसमें, और साथ में हम कीमा भी ऐड कर देंगे। तो मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया था, कीमा ऐड कर देंगे सभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर इसको अच्छे से अभी हम कीमे को भुनेंगे। अच्छे से हम भुनेंगे। अब मैं इसके अंदर ये सबस मिर्चें जली थी वो ऐड कर देंगे इसमें, और ये चिकन क्यूब्स भी ऐड कर देंगे। अच्छे से हम भुनेंगे अब कीमे को, अच्छे से। जैसे कीमा हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्ची कीमा अच्छे से भुन जाएगा, इसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने कीमा भून लिया है, और मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला,
और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा और 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची और 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची पाउडर और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, आप लोग डाल सकते हैं। अब ये नमक मैं इसके अंदर आधा टीस्पून नमक भी ऐड कर दूंगी, ज़रूरत पड़ी तो हम और डालेंगे वरना तो नहीं, क्योंकि हमने करेलों में भी अच्छे से नमक लगा के उसको अच्छे से धो के वॉश कर लिया था। उसको अच्छे से हम भुनेंगे अभी कीमे को मसालों में, और साथ में मैंने 2 नींबू लिए थे, मैंने इसका जूस निकाल लिया, वो ऐड कर देंगे इसमें। इसको अच्छे से हम भुनेंगे अब, और मैं इसके अंदर कीमे का मसाला ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मसाला भुनेंगे इसमें कीमे में, 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे से भूनते हुए। इसको हम भुनेंगे अभी, इसके मैंने आँच स्लो नहीं की, आँच तेज़ी है, इसको हम अभी कवर नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही भूनेंगे कीमे को। देखिए मैंने इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लिया मसाले ऐड करके इसमें, और मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। मैं इसका चूल्हा पहले ऐसे स्लो कर दूँगी, देखिए स्लो आँच पे इसको मैं इसके अंदर दही डालूँगी। मैंने 3 चम्मच दही लिए खाने वाले, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसे दही का पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी अच्छे से हम पका लेंगे अपने। देखिए अभी मैंने इसकी आँच सिलोई की हुई है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद मैं इसकी आँच तेज़ करके इसको तेज़ी आँच पे भूनूंगी। देखिए इसको मैंने दही को अच्छे से, इसका पानी खुश्क हो गया दही का, और मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमने टमाटरों को इतना पकाना है अच्छे से टमाटर हमारे गल जाए, उसके बाद हम इसके अंदर करेले ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, तब तक कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे। कीमा देखिए हमारा बहुत अच्छे से भुन गया। तो मैं भी कवर कर दूंगी, 5 से 6 मिनट तक मैं इसको कवर कर दूंगी। देखिए इसको 6 मिनट हो गए, इसको मैंने अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया और टमाटर बहुत अच्छे से गल गए। अब मैं इसके अंदर करेले ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह, सभी करेले ऐड कर देंगे इसमें। इसको भी अच्छे से मिक्स करके और इसको स्लो आंच पे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट तक, अच्छे से करेलों में मसाला अच्छे से जब्स हो जाएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद हम अब मैं इसके पास सब्ज़ धनिया भी ऐड करूंगी इसके बाद। देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको करेलों को, देखिए सभी करेले अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अभी मैं इसको मैं स्लो आंच पे छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट तक, हमारे अच्छे सा करेलों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा मसालों का। देखिए अपने सालन को चेक करेंगे, कीमा करेला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको अच्छे से भी हूँ, माशाल्लाह हमारा कीमा करेला बन के रेडी हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी पसंद आई होगी मेरे से भी, अपने घर में बना के आप लोग भी ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है कीमा करेला। ठीक है, अभी हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने डिश आउट कर लिया है, कीमा करेला माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जो मेरे चैनल बनाए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करके बताया करें आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है। और इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नई नई वीडियो लेके आएंगे आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी।